एक क्वेश्चन मैंने इसके लिए मिसिसिपी के लिए एक जानबूझ के क्वेश्चन कराया था जिसका नाम था मैथमेटिक्स, याद आया? मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में क्या सीन है, दो एम है, दो ए है, दो टी है, याद है? बाकी एच आई ई सी एस है, राइट है? और फिर मैंने आपको सिलेक्ट कर करके दिखाया था कितने तरीके सिलेक्ट कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के शब्दों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। अब मैं क्वेश्चन में जा रहा हूं आपके मिसिसिपी वाले के, राइट है? मिसिसिपी को अगर आप गौर से देखिएगा तो अपने को चार एस दिखते हैं, क्या ख्याल है आपका? है ना भाई? और चार आपके पास में, तो कुल मिला के 11 ही है ये, राइट है भाई? अच्छा, दो पी है और एक आई एम होगा, एक एम है, बस हो गया क्या सारा खेल? हाँ, है ना? ये मिसिसिपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, इसको अलग अलग जगह पे देख लिया। अब क्वेश्चन में आइएगा, कितने तरीके से आप इन्हें अरेंज कर सकते हैं, राइट है भाई? अच्छा, पहला तरीका, जब मैं कितने लेटर का वर्ड बनाना है तो बताओ, पांच लेटर का, पांच लेटर को कितने तरीके से सुन सकता हूं? पहला, चार अलाइक एक डिफरेंट, हाँ या ना? चार अलाइक के लिए कितनी दुकानें? दो, इन दो दुकानों में से कोई भी एक चुन लो। अरे, इन दो में से कोई भी एक चुन लो, कोई भी एक चुनोगे चार दे जाएगा एक साथ में, चार अलाइक है कि नहीं? और बाकी बचा एक डिफरेंट, जैसे मान लो आई ने दे दिया तो ये बच गया। अब मार्केट में एस है, पी है और एम है, कितने जने? तीन, तो तीन में से कोई एक चुन लो। नहीं आया तो छह तरीके से तो ये बन जाएगा, नहीं आ रहा है ना? और या फिर क्या हो सकता है, तीन अलाइक और दो डिफरेंट, सोचो, या दो अलाइक या दो डिफरेंट, कुछ भी चलो। हाँ भाई, तीन अलाइक कौन कौन दे सकते हैं? ये दोनों दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तीन तो दे ही देंगे, तो मैं दो में से कोई एक चुन लूं, राइट है भाई? दो में से किसी भी एक के चुनते हैं, जैसे सपोज एस चुन लिया, तो बाकी ये तीन जने मार्केट में आ गए। अब मेरे को दो डिफरेंट चुनने हैं, तो तीन में से दो चुनने के तरीके थ्री सी टू, बोले तो वापिस छह, सोच लें थ्री सी टू माने थ्री सी वन ही होता है। अच्छा, अब हो सकता है क्या, तीन अलाइक प्लस दो अलाइक, राइट है भाई? अच्छा, तीन अलाइक देने के लिए कितने लोग तराजी हैं? तीन अलाइक वाले दो ही जने, तो टू सी वन इंटू में, फिर दो अलाइक देने के लिए, दो अलाइक देने के लिए दो, नहीं आया तो इंटू में दो सी एक, कुल मिला के कितना हो गया, चार। अच्छा, हाँ बोलो, क्यों? ये दे गया था सपोज करो तीन अलाइक वाला, अब देखो ये और ये दो ही तो है, दो दूसरा अलाइक कौन देगा? एम तो दे ही नहीं सकता, एम के पास तो एक ही जना है ना? नहीं नहीं नहीं, ये तो अपना यूज में आ गया, ठीक है ना? अच्छा, अब और चलते हैं, दो अलाइक प्लस दो अलाइक प्लस एक डिफरेंट, सोचो, ऐसा भी तो हो सकता है। हाँ भाई, दो अलाइक देने के लिए कितने लोग राजी हैं? दो अलाइक प्लस दो अलाइक, ये लॉजिक समझाना भाई, दो अलाइक फिर दो अलाइक, हाँ ये सोच के बताइए जवाब, थ्री सी टू, थ्री सी टू वन सी वन, देखो ना, सोचो, दो अलाइक चाहिए तो ये तीनों जने दे सकते हैं ना दो, तो थ्री सी टू, इनमें से किसी भी दो को ले लो, ये दो अलाइक दे देंगे, और बचा हुआ एक डिफरेंट, एक डिफरेंट देने के लिए देखो जरा, नहीं धीरे धीरे, तीन में से दो काम में आ गए, दो काम में आ गए, सपोज ये वाला काम में आ गया और ये वाला काम में आ गया, ये हवा में आ गया, मार्केट में खुला घूम रहा है और ये घूम रहा है, तो दो जने है ना अपने पास, इनमें से किसी भी एक से कुछ भी ले लो, तो इंटू में टू सी वन, बोले तो कितना आ गया, छह, नहीं आ रहा, कहानी पकड़ में आ गई। अच्छा, इसके सिवा हो सकता है दो अलाइक प्लस तीन डिफरेंट, सोचो, अरे अरे सोचो ना, दो अलाइक प्लस तीन डिफरेंट, और सोचते हैं, दो अलाइक देने के लिए तीन जने राजी, थ्री सी वन, ठीक है, और तीन डिफरेंट, जैसे सपोज करो इसने दे दिया दो अलाइक, बाकी फिर से वापिस थ्री सी थ्री, थ्री सी थ्री माने तीन, और कोई रास्ता है तो सोच लेना, तब तक हम जोड़ लेते हैं, छह थी अठारह, अठारह और सात पच्चीस, पच्चीस इनमें से कौन से सेट में आ रहा है, बस ऑप्शन सी हो गया, अरे ये तो अपन करते हैं ना, अपने इंटीग्रेशन का क्वेश्चन किया था, याद हो तो, है ना, इंटरनेशनल किया था, उसमें भी तो ये सब किया था, सही है। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, एटलीस्ट वन वोवेल इज सेपरेट फ्रॉम द रेस्ट,
एटलीस्ट वन वॉवल इज सेपरेट फ्रॉम रेस्ट. रिजल्ट में कितने वॉवल है अपने पास में? एक वॉवल जो है वो बाकियों से अलग हो जाए, ये है क्वेश्चन. हां भाई क्या किया जाए? नहीं, एक वॉवल बाकी बच्चे से सबसे अलग हो जाए. अरे कहानी को समझो वापस. कहानी है एटलीस्ट वन इज इक्वल टू क्या था? टोटल माइनस नन. नन का मतलब हो गया नो वॉवल. नहीं, लेकिन हम चाहते हैं एक वॉवल सेपरेट हो जाए, तो एक वॉवल सेपरेट होने का मतलब हो गया टोटल माइनस, ठीक है ना? ऑल वॉवल टुगेदर, ऑल वॉवल टुगेदर. देखो एक बार जरा कहानी को समझ के सोचो. ऑल वॉवल टुगेदर क्या बैठता है कि नहीं बैठता? ऑल वॉवल टुगेदर. अगर सारे वॉवल एक साथ वाला केस में रख लूं और उसको टोटल केसेस में से हटा दूं, तो बाकी सारे वो केस बच जाएंगे जिनमें वॉवल साथ में नहीं है. कम से कम एक वॉवल या एक से ज्यादा वॉवल अलग अलग हैं. नहीं आया? कितनी, अरे कितनी सिंपल बात कह रहा हूं मैं. सारे केसेस में से वो केस हटा देते हैं जिनमें सारे वॉवल एक साथ हैं, तो वो केसेस बच जाएंगे जिनमें सारे वॉवल साथ में नहीं है. सारे वॉवल साथ में नहीं है कहने मतलब एक या एक से ज्यादा लोग वॉवल अलग अलग हैं. अब रही बात टोटल केस, टोटल केस कितने हैं? फैक्टोरियल 11, याद है ना, 11 जनों के लिए अपॉन में फैक्टोरियल एस का फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 2, ये तो टोटल केस हो गए. अच्छा, जिसमें सारे वॉवल को अगर मैं एक साथ रख दूं तो वॉवल कितने हैं? ये 4, हाँ है ना. इनको एक साथ करके इनका एक गिन दूं, इनको एक गिनते कितने केस हो गए? ऊपर 4 और एक 5 और एक 6 और एक 7 और एक 8, हाँ है ना. तो डिवाइड माइनस में कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 8 डिवाइड बाय कितना? फैक्टोरियल 4. बस खत्म. इसको घटा लेना और आंसर में जरूर जैसा वो चाहता है फैक्टोरियल फैक्टोरियल में वैसे में आंसर आ जाएगा. कहानी पकड़ में आ गई? हाँ है ना, बहुत सिंपल कहानी है ये. अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला कहता है इफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड डब्ल्यू, इफ द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ वर्ड डब्ल्यू, इफ ऑल एस ऑल पीज आर सेपरेटेड, सारे एस सारे पी सेपरेट कर दिए जाए, सारे एस और सारे पी सेपरेट कर दिए जाए, सारे एस और सारे पी सेपरेट करने का तरीका क्या होगा? किसको? नहीं देखो क्वेश्चन वाला क्या था, सारे एक सेकेंड, ऑल एस एंड ऑल पी है क्या? ऑल एस एंड पी चलो सोचते हैं. हाँ भाई ऑल एस एंड ऑल पी सेपरेटेड है ना भाई, इसकी कहानी को समझना. अगर मैं इसकी कहानी को समझता हूं सुनना बहुत ध्यान से देखना क्या सोचे में है मेरे. पहले वो केस बना लेता हूं जिसमें अपने पी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं एक साथ दोनों को नहीं उखाड़ सकता. पहले पी को का तू जमा रहे, राइट है? इसमें से पहले इनके बीच में इनको बैठा के गैप निकाले. कितने गैप आए? 7 में से 8 गैप आए, राइट है भाई, है ना? ऐसा डालिए, ठीक है. उन एस के अंदर 8 में से अपन कोई 4 गैप ढूंढ लेंगे, 8 में से 4 गैप ढूंढ ले. अच्छा पहले इनको जमा ले, इन 7 जोनों को जमाने के तरीके फैक्टोरियल 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, है ना. फिर इनके बीच 8 गैप प्रकट हुए, उनमें से 8 में से 4 गैप पकड़ लेंगे, उनमें एस डाल देंगे, उनको जमाने के तरीके हो जाएंगे फैक्टोरियल 4 डिवाइड फैक्टोरियल 4 माइनस. अब वो तरीके हटा देते हैं जिनमें पी साथ में थे. अब पी वाले केस भी हटा दूं, ये तो वो केस है ना जिनमें एस इज सेपरेटेड. अब इनमें से भी वो केस हटा लेते हैं जिनमें पी एक साथ में है, ठीक है ना. पी को टुगेदर रखते हुए केस बना लेते हैं, आई 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 एम एम, और पी को हम लोग एक साथ मान लेते हैं. नहीं, एस तो ऑलरेडी सेपरेटेड है, ठीक है, हमारे लिए कहानी में एस है ही नहीं, हम तो ये मान रहे हैं पी को भी एक शब्द में रख रहा हूं, राइट है. ऑल पी
आर सेपरेटेड. हमारे लिए पीपी एक ग्रुप हो गया. रेड है. अच्छा अब ये टोटल बचे हुए केस को आप संभाल लो. कितने हो गए एम? कितने है? एक ही है क्या? हाँ भाई कितने हो गए? पहले इनको तो संभाल लो. फैक्टोरियल फाइव इंटू में सिक्सटी टू इंटू में कितना? नथिंग वन. फैक्टोरियल टू डिवाइड बाई फैक्टोरियल टू डिवाइड बाई अरे ये फैक्टोरियल फोर. ओके ठीक है बस ये लेस कर देना आंसर आ जाएगा. ठीक है नेक्स्ट पे आ जाओ. कैसे देख लेना जो बैठ जाए सही लगे है ना. पीपी को मैंने एक साथ रखा है ना तो ये एक दो तीन चार पांच है ये छह ये है ना. और अगर ये छह है तो ये सात सीधे हो गया है ना. हाँ गॉट इट. हाँ भाई अगले पॉइंट के ऊपर बात कर रहा था मैं. क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है? अब कौन सा है? ये भी वही 16 प्लेयर्स है ना. ये रुक करके बात करते हैं इसके अगला पे आ जाओ. नेक्स्ट अगली डीपीपी कम से कम एक साथ में कई सारे क्वेश्चन उठ जाएंगे. हाँ भाई पहला क्वेश्चन कौन सा? देर आर 10 रेड बॉल्स है ना भाई. अच्छा धीरे क्यों के बाद. हाँ भाई अगला क्वेश्चन है 10 रेड बॉल्स ऑफ डिफरेंट शेड्स एंड द 8 ग्रीन बॉल्स ऑफ आइडेंटिकल शेड्स. ठीक है हो गया या नहीं हो गया ये वाला? हाँ या ना? ठीक है साहब अगले क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चन नंबर दो. क्वेश्चन नंबर दो देखिए हो गया या नहीं हुआ. नंबर ऑफ वेज इन विच टू एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स कैन बी कैप्ट इन टू है ना टू आइडेंटिकल बॉक्स सो दैट नो बॉक्स रिमेन्स एम्प्टी. देखना जरा कहानी क्या है. देखो साहब दो गेंदों को एन बॉक्स में डालने के तरीके टू की पावर एन बहुत सिंपल. अरे बॉल की पावर बॉक्स ठीक है ना. तो अगर देखा था टू की पावर एन इतने तरीके से मैं बॉल डाल सकता हूं. लेकिन लफड़ा क्या है हमारे पास दो बॉक्स हैं. एक बॉक्स का नाम B1 बताता हूं एक बॉक्स का नाम B2 बताता हूं. लफड़ा यह है कि दोनों गेंदे अलग अलग उसमें जानी चाहिए. दो बॉक्स में डालने के टोटल तरीके टू की पावर एन. लेकिन एक्चुअल तरीके टू की पावर एन माइनस टू. क्यों? क्योंकि सारी गेंदे अगर बॉक्स वन में चली गई तो भी मैं कंसीडर नहीं करूंगा और अगर सारी गेंदे टू में चली गई तो भी कंसीडर नहीं करूंगा. तो वो दो रास्ते हटवा दिए. राइट है. ये तो तब होता जब सारी गेंदे अलग अलग होती. लेकिन चक्कर क्या है सारी गेंदे आइडेंटिकल हैं और आइडेंटिकल होने की वजह से डिवाइड बाई टू. क्यों? क्योंकि दोनों केसेस एक जैसे काम करेंगे. सारी गेंदे मतलब जैसे मान लो छह गेंद इस वाले बॉक्स में गई और पांच गेंदे इधर वाले में गई ये ठीक वैसे का वैसे कैसे थे छह इधर गई और पांच इधर गई क्योंकि सारी गेंदे एक जैसी है निकालने के टाइम पे. अगर उन बॉक्सेस के नाम ना रखे जाए तो हमारे को तो पता तक नहीं चलेगा कि कौन सी गेंदे किस में थी. बस ये पता लगेगा इसमें ज्यादा थी और इसमें एक कम थी या ये उल्टा हो सकता है कि इसमें ज्यादा थी इसमें एक कम थी. तो उसका कारण डिवाइड बाई टू. तो जैसे आप डिवाइड बाई टू करोगे आपका आंसर आ जाएगा टू की पावर एन माइनस वन माइनस नथिंग माइनस वन. शायद यही आंसर है ना भाई. देख लेना अगले क्वेश्चन में आ जाओ फटाफट. ये सुपर हिट क्वेश्चन अगला वाला ए सेल्फ कंटेन्स. किसी का दिमाग में आया वाला क्वेश्चन क्या कहता है? नहीं. इसको समझने के लिए आपका किसी एक वकील के घर में माने एडवोकेट के घर में कभी आपका एक बार जाना जरूरी है. अगर आप कभी किसी एडवोकेट के घर में गए हैं तो ही आप इसको समझ सकते हैं वरना ये आपके लिए बहुत मुश्किल है समझ पाना है ना. देखो जरा मैं बताता हूं जो लोग कभी किसी एडवोकेट के घर में नहीं गए उन्होंने अक्सर है ना श्रीमती सोनिया गांधी को या फिर प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को कभी अगर भाषण देते हुए देखा हो तो अक्सर पीछे एक अलमीरा लगी होती है जिसमें ढेर सारी किताबें लगी होती हैं जिन्हें वो कभी नहीं पढ़ते. राइट है. ये सिर्फ हाथी के दांत है बस सिर्फ लगाने के लिए. ठीक है ना. अब ये क्या खेल है ये इस तरह से रखी जाती है किताबें कि एक के पीछे एक बिल्कुल एक जैसी किताबें तीन बुक जैसे ये और ये है ना इस प्रकार से रखी हुई होती है किताबें लाइन के अंदर और बस आप पास में जाके पहचान सकते हो अच्छे तीनों अलग है वरना ऐसा लगता है जैसे एक साथ में है ना सेट आ गया हो गलती से कंटेनर किसी ने जमा दिया हो. राइट है. ये क्या चीज है ये हर साल के केसेस हैं जो एक कोर्ट में लड़े गए होते हैं कि ये केस 1971 के ये 1972 के ये 90 हाँ कवर सेम होते सारे एक जैसे होते हैं आइडेंटिकल बुक्स होती हैं लाइन में. ठीक वैसी ही चार विभिन्न प्रकार की किताबें. ठीक है ना चार विभिन्न प्रकार की किताबें देखो जरा टोटल 20 बुक्स हैं इनमें से चार जो हैं इन विच फोर आर इन सिंगल वॉल्यूम
एंड अदर आर ठीक है इन द सेट ऑफ एट फाइव एंड थ्री वॉल्यूम्स रेस्पेक्टिवली. ठीक है भाई, चार एक्जेसी है भाई, पहले समझना. चार एक्जेसी है कहने मतलब जैसे क्या, मैं आपको दिखाऊं, ये डी वन डी टू डी थ्री डी फोर, ये चार एक्जेसी किताबें आ गई. इसमें एक वॉल्यूम है, इसमें एक वॉल्यूम है, इसमें एक वॉल्यूम है, इसमें एक वॉल्यूम है, राइट है. अब पांच वाली किताबें सारी अलग अलग है. ठीक है, इसमें क्या है, सेकेंड सेट में क्या है, टोटल चार है ये. ये अभी तक एक सेट हुआ है, एक सेट की चार किताबें दिखाई मैंने आपको, नहीं आई समझ में, ठीक है ना. ये दूसरे सेट की V1, V2, V3, V4 से लेकर के V8 तक, राइट है भाई. अगले वाले में कितनी है, अगले वाले में पांच, एंड अदर द सेट ऑफ पांच एंड थ्री वॉल्यूम्स, है ना भाई. अगर ये पांच है तो मैंने इनका नाम रख दिया P1, P2 से लेकर के कहां तक, P5 तक, राइट है. उसके बाद वाले में तीन किताबें हैं, तो S1, S2, S3 ऐसे दिखा दो भाई, है ना भाई. अगर आपने गौर से देखा, गौर से देखिए, गौर से कहानी को जरा समझने की बात है. ठीक है, किताबें कैसी रखी गई हैं, ये एक सेट है, ये दूसरा सेट है, ये तीसरा सेट है, ये चौथा सेट है, और ये एक सेट है, एक सेट है. नहीं आया समझ में, है ना. 2013, 2014 की सारी केसेस, 2015 के सारे केसेस, 2016 के सारे केसेस, डोरी पे केसेस एक साथ एक में, है ना. हत्या पे केसेस, ठीक है ना, असैसिनेशन पे केसेस, कहानी पकड़ में आ गई. सारे केसेस इस तरह से. अभी टोटल कितने हैं, ये टोटल 20 किताबें, टोटल किताबें 20 हैं, लेकिन एक्चुअल में कितने हैं, कितने टाइप के हैं, चार. चार तो ये हैं, हाँ टोटल सात हैं. ये अपने आप में एक पूरा सेल्फ है. कहानी पकड़ में आई आपको, हाँ अब आया आपके पकड़ में. ये टोटल सात हैं, तो आप इन्हें कितने तरीके से जमा सकते हो, सात. आप इन्हें एक ही किताब समझो, ये पूरी एक किताब है. इनको कितने तरीके से जमा सकता है कोई भी, सात. एक सेल्फ पे जमाने का तरीका, माने बॉक्सेस में सात चीजों को सात जगह पे डालने के तरीके, फैक्टोरियल सात. लेकिन लेकिन एक लफड़ा हो गया, ये एक ही थी, इतनी मोटी किताब एक ही है, उसमें ढेर सारी छोटी छोटी किताबें जोड़ जाड़ के बनाई है. ये दूसरी किताब है, इतनी मोटी छोटी छोटी बहुत सारी किताबें जोड़ के, ऐसे चार हैं. लेकिन ये छोटी छोटी बहुत सारी इतनी किताबें हैं, आठ किताबें हैं टोटल, लेकिन एक है. उन्हें अगर आपने अलग अलग रख दिया तो दुनिया कहेगी यार ये क्या है, इसके बाद में ये किताब कैसे आ गई, समझ रहे हैं. ये वैसा वाला सीन है, आठ ये और ये. अब देखो कोई भी अगर इन्हें जमाता है तो ये चार तो घूम लेंगी, लेकिन इनके साथ चक्कर हो सकता है, इन तीन के साथ में. कोई इन्हें V1 से V8 जमाए या V8 से V1 जमाए, क्रम तो दोनों के लेंगे ना. तो हर चीज को, हर एक सेट को, इसको इसको और इसको जमाने के कितने तरीके, दो तरीके. तो इंटू दो इंटू दो इंटू दो, बात समझ में आई. लेकिन दो नहीं बोल रहा मैं, बोल रहा हूं फैक्टोरियल दो, फैक्टोरियल दो, फैक्टोरियल दो. क्या कोई फर्क है दोनों में, है फर्क. क्या है फर्क, ये है ये फैक्टोरियल होना बताता है कि आपने इनका ऑर्डर करा है. हाँ, अदरवाइज ये दो या चार ऐसे नॉर्मली लिखने का मतलब क्या होता है, याद है किसी को, वो दादाजी प्रॉब्लम वाली है ना, जो फोटो खिंचाने की बात हुई थी, जिनमें दो पोते पोते एक साथ बैठना चाहते हैं, राइट है. इन्हें चार लिखते हैं, कहानी पकड़ में आई. और अगर चार चीजों को चार डब्बों में डालना हो तो उन्हें फैक्टोरियल चार लिखते हैं. नहीं आया, बहुत फर्क है दोनों में, है ना. तो ये फैक्टोरियल टू है, ताकि आप ये जाने कि फैक्टोरियल टू माने इन्हें लेफ्ट या राइट, माने V8 से V1 लिखूं या V1 से V8 लिखूं, दो तरीके. P1 से P5 रखूं या P5 से P1 रखूं, दो तरीके. तो इंटू दो इंटू दो इंटू दो. अच्छा फिलहाल कितने लोगों को समझ में आ गया, ये हो गया आठ, आठ इंटू फैक्टोरियल सात, इसलिए आंसर फैक्टोरियल आठ है. वरना आदमी यही सोचता है कि फैक्टोरियल आठ कैसे हुआ, चीजें तो 20 थी, 20 नहीं थी. बहुत बार, बहुत 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 बार पढ़ने के बाद, शायद बहुत 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 बार पढ़ने के बाद भी ये समझ में नहीं आता कि वाकई में चार अलग, बाकी लोग अलग थे क्या.
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं हां अलग थे, ये 8 3 5 कौन है, नहीं तो ये एक एक ग्रुप है ना। अगले बात हो, क्वेश्चन नंबर 4 अगला कौन सा वाला है, क्यू हो गया। अच्छा ये नंबर ऑफ रेक्टेंगल हुआ या नहीं हुआ, श्योर हो गया। अच्छा रेक्टेंगल के तरीके क्या होते हैं याद है, रेक्टेंगल कैसे बनते हैं किसी को याद हो तो। हाँ 7 पैरेलल लाइनें यो हैं, 5 पैरेलल लाइनें यो हैं, तो 7 में से 2 5 में से 2 कितना हो गया, 7 कितना हो गया 35 और ये कितना हो गया इंटू 15 15 थोड़ी ना हुआ, 5 इंटू 4 10 हुआ ये, और ये भी 35 थोड़ी ना हुआ, ये कितना हुआ 30 21 210 हो गया साहब। हाँ या ना, 210 तो रेक्टेंगल बने। अब वो कहता है रेक्टेंगल जिनमें स्क्वायर ना हो, अब जरा इसको भी पकड़ो ठीक है, हर बात आपको पकड़ में आनी चाहिए नहीं तो मतलब ही नहीं है, बेकार चला जाएगा सब मेरा किया हुआ, राइट है। उसको समझो सीन को, पहली बात ये हो सकता है 7 से ज्यादा हो लेकिन आपका ध्यान इस पे होना चाहिए, एक एक वाले कितने स्क्वायर होंगे वो गिन लो आप, ये कितने हैं, ये पहले आप अपनी उसमें देखो ना कितने, 6 यो 6 हैं एक एक वाले, 6 इंटू में ये वाले कितने आपके उसमें देखो कितने, 4 या 5 4 तो 6 इंटू 4 24 24 तो एक एक वाले स्क्वायर बनेंगे। अब दो दो वाले गिनना, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 याद है ना मैंने सिखाया था गिनना, ऐसे गिनना कितने बनेंगे, 5 इंटू 3 बोले तो 15, वो सारे गिन गुना के जोड़ लेना और फिर उन्हें इसमें से घटा देना, ये सब जोड़ के इसमें से घटा देना क्योंकि ये सब स्क्वायर हैं, तो वो रेक्टेंगल जो स्क्वायर ना हो उसके लिए क्या करोगे, रेक्टेंगल टोटल रेक्टेंगल में से टोटल स्क्वायर हटा दोगे। नहीं आया इसके लिए, अगर मान लो नहीं आया पुनः संपर्क करें प्रातःकाल, ठीक है ना, जब भी आपको लगे कि नहीं मैं पढ़ने के लिए बनाऊं, ठीक है आइए वेलकम है ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर क्या है, ऑल द 5 डिजिट्स हो गया या नहीं हुआ, बहुत बढ़िया, ऑल द 5 डिजिट इन विच ईच सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स पूरे पहले वाला ठीक है, आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एक सेकेंड, ऑल द 5 डिजिट्स नंबर इन विच ईच सक्सेसिव डिजिट एक्सीड्स इट्स प्रीसीडर्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अच्छा ठीक है और बोलो, अच्छा द 97 नंबर ऑफ द लिस्ट डज नॉट कंटेन द डिजिट, 97 नंबर में कौन सी डिजिट नहीं होगी, मात्र एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये असेंडिंग ऑर्डर है कि डिसेंडिंग ऑर्डर है, बस ये बता दो आप, तो ए या डी, बस ये पूछना मेरे को और कुछ नहीं पूछना, मैं पूरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा हूं असेंडिंग हो रहा है या डिसेंडिंग हो रहा है, असेंडिंग है ना भाई, असेंडिंग है इसका मतलब ये कि पहले नंबर पे 0 नहीं चढ़ेगा क्योंकि 5 नंबर का खेल खेलना है मेरे को, इसका मतलब मेरे पास टोटल 9 डिजिट्स हैं, 9 डिजिट्स में से मेरे को कितने खेलने, 5 डिजिट का खेल खेलना है, तो इसका मतलब मेरे पास में 95 रास्ते पड़े हैं, माने 126 रास्ते पड़े हैं अगर मैं गलत नहीं होता, 95 माने 94 होता भाई मेरे हिसाब से, 94 का मतलब 9 8 7 6 और बटे में कितना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 के कारण 6 अड़ गया, 4 के कारण 8 घट गया, बचा रह गया 2 इंटू 9 18 इंटू 7 ठीक है, ये बन जाएगा 126 सही है ना भाई, तो फिलहाल 126 मेरे पास नंबर बन सकते हैं लेकिन उनमें धीरे धीरे अपन 97 नंबर पे पहुंचते हैं, आओ धीरे धीरे मेरे को बताना कैसे चलते हैं, मैं तो भूल जाता हूं रह रह करके, इससे मुझे भी याद आ जाएगा, यार रट्टा हुआ किसको होता है, जिंदगी में किसी को रट नहीं सकता ठीक है ना, बनाना ही पड़ता है हर बार साहब। सबसे पहले एक ने कहा मैं चाहूंगा, मैं जाऊंगा, मैं मैंने कहा जा भाई, एक के बाद में कितने नंबर खाली हैं, 4, उन 4 जगहों पे कितने लोग बैठ सकते हैं बताओ ना, आप तो बता दोगे मैं लिख दूंगा, अरे सोचो ना, एक डिजिट काम में आ गया, कितने डिजिट का लेके चले थे, 9 में से एक काम में आ गया, बचे रह गए 8, 8 को कितनों में भरना है, तो भरने के तरीके कितने हो गए, बस 8c4 कितना बोलो ना कितना होता है, 8c4 गिन लेते हैं, 8c4 का मतलब 8 8 7 6 5 बटा 1 2 3 4, तो पहले तो 8 ही उड़ गया,
और एक दो उठ गया, मतलब छह का कट गया, तीन से दो कितना हो गया 70, मेरे को 70 ही दिखा। श्योर है आप, है ना? चलो आप में से कई लोगों ने आत्मविश्वास के साथ में 70 पे बैट लगाई है, मुश्किल है। अब देखो एक का एक को लेकर के बनने वाले टोटल 70 नंबर आते थे, अपने को कहां तक जाने 97 तक, ज्यादा दूर नहीं बचा, राइट है, आस पास ही है, ठीक है। हाँ भाई अब जरा सुनो, अब आया कौन, दो, दो ने कहा मैं आऊंगा, अब मेरी बारी है, ठीक है। लेकिन हमने कहा दो तेरे बारे में अगर हमने सारा पता कर लिया तो हमारे को तो 126 के बहुत पार जाके रुके, हमारे 97 में जाना है, ज्यादा दूर नहीं जाना, इसलिए प्लीज ना फड़फड़ा, ठीक है। हमने कहा तीन को आने थे तेरे पीछे, देखते हैं तीन के बाद कितने डब्बे खाली, तीन डब्बे खाली, उन तीन डब्बों को भरने के तरीके देखो, देखो देखो कौन कौन से काम में आ गए, कौन कौन से यूज नहीं कर सकता। देखो एक तो आ ही नहीं सकता ना, असेंडिंग ऑर्डर है, एक काम में आ गया, दो काम में आ गया, तीन बच्चे रखे कितने, छह, छह में से तीन, 63 माने छह से तीन, छह पांच चार बटा एक दो तीन कट गया 20, लो साहब 20 माने मैं 90 तक आ गया साहब, इसका मतलब दो के बाद तीन भी नहीं चढ़ेगा, अब चढ़ेगा कौन, सुनो दो के बाद चढ़ेगा चार, तीन भी नहीं चढ़ेगा क्योंकि तीन के चढ़ते ही दो, जितने आने दो आगे, नक्की 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 आ जाओ, दो चार के बाद की बात करते हैं, चार के बाद कौन कौन से नंबर बच गए, पांच छह सात आठ नौ, पांच नंबर बचे, पांच में से कितने लेने, तीन, पांच से तीन का मतलब कितना हो गया भाई लोगों, कितना पांच चार, एक से पांच चार, पांच चार तीन बटा एक दो तीन, राइट है भाई, तीन से तीन कटा ये दो गया तो ये तो दस हो गया, और दस होते तो अपन सौ में आ गए, रुको 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 रुको, सौ नहीं जाना, पीछे चलो पीछे चलो पीछे चलो, है क्या नहीं, दो चार पांच नहीं है समझ में, अब मैं कितने नंबर लॉक कर गया, कौन कौन से खुले हैं, छह सात आठ नौ, चार सी दो, राइट है ना भाई, चार सी दो, आओ आज जिंदगी में आप पहली बार ये लड़ाई भी लड़ो, चार सी दो का मतलब कितना हो गया, चार पांच बटा चार तीन बटा एक दो, थकान भावी माने कितना हो गया छह, ओ गुडनेस, एक छियानवे तक आ गया मैं, तो इसका दो चार पांच तो पक्का हो गया, अच्छा दो चार पांच के बाद छह डिजिट बन सकते हैं, इसका मतलब 97वां डिजिट जो भी चढ़ेगा है ना उसमें दो होगा, चार होगा, छह होगा, सात होगा और आठ होगा, अरे अरे सोचो ना, तो इनमें कौन सा डिजिट नहीं है देख लो ना ऑप्शन में, पांच आंसर हो गया, पांच 97 डिजिट आ गया, नहीं आया, अरे कहानी समझ में नहीं आया आपको, इतनी मेहनत करने के बाद में भी पता ही नहीं चला, आनंद आया समझ में, नहीं आया, अरे यार तो बोलना, देख टोटल 126 नंबर बन सकते हैं, मैं तेरे को मैं 97 नंबर में कौन सी डिजिट नहीं है पता करना है, तो 97 नंबर पता करना पड़ेगा, तो लफड़ा क्या है, सारे नंबर जो होंगे ना वो बढ़ते क्रम में होने चाहिए, और अगर बढ़ते क्रम में होंगे तो मैं जीरो ले ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि जीरो पीछे तो कहीं आएगा ही नहीं ना बढ़ते क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए मेरे को, तो जीरो चढ़ेगा तो पहले नंबर पर चढ़ेगा, और अगर जीरो पहले नंबर पर चढ़ गया तो चार डिजिट का नंबर गिनेंगे, अरे जीरो अगर पहले नंबर पर होगा तो चार डिजिट का गिनेंगे ना बेटा, तो जीरो को तो ले ही नहीं रहा ना मैं ले ही नहीं सकता, तो मेरे पास कितने डिजिट खुल गए, नौ, नहीं आया समझ में, जीरो एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ होते हैं, तो मैं जीरो नहीं ले सकता, मैंने तेरे को कारण बता दिया ना भाई, अच्छा अब अपने पास कितने डिजिट रखे, नौ, मैं नौ डिजिट से ही खेल सकता हूं, ठीक है ना, नौ में से पहला डिजिट कौन होगा, एक, मैं सबसे पहले एक को भर के दिखाता हूं तेरे को, अगर मैंने एक यहां भर दिया तो मेरे पास बचे रह गए चार खाने, इन चार खानों को भरने के लिए मेरे पास जनता कितनी है, आठ, एक को छोड़ करके बाकी आठ नंबर अभी भी मेरे पास पड़े ना, उन आठ नंबरों से चार खानों को भरने के कितने तरीके हुए, सत्तर, 84 माने 70, मैं आठ में से कोई भी चार चुन लूंगा, 70 तरीके से भर सकता हूं, तो इसको भरूंगा तो 70 तक की डिक्शनरी आ जाएगी जिसमें पहला अंक होगा एक, राइट है ना, लेकिन मेरे को तो 97 तक जाना है, इसका मतलब मेरा पहले अंक एक से काम नहीं चल रहा, तो मैंने एक को हटा दिया, मैंने कहा एक वाले हटो, राइट है, मैं 70 के बाद 71 के बारे में सोच रहा हूं, राइट है, तो मैंने पहला नंबर रखा दो, राइट है, अच्छा अब दो के बाद भी सोचता हूं, दो के बाद रखे चार, राइट है ना भाई, अब देख मैं एक ले नहीं सकता, दो मैंने यहां पे बैठा ही दिया, राइट है ना, तो मेरे पास नौ अंक थे,
9 में से 2 तो काम में आ गए, एक में ले नहीं सकता, दूसरा यूज में आ रहा है ऑलरेडी, तो मेरे पास 7 अंक बचे हैं, तो उन 7 अंकों से मैंने ये 4 जगह भरवाने की सोची, तो जब मैंने 74 किया तो मेरा आंसर बहुत बड़ा आ रहा था, वो मेरे को 97 के पार लेके जा रहा था, तो मेरे को नहीं जाना था, तो मैंने क्या किया ना, जानबूझ करके 2 के बाद 3 लगा के देखा कि भाई असेंडिंग ऑर्डर है, पहले नंबर पर तो 2 तो रखना ही है, अगले नंबर पर 3 लगा के देखा, मैंने देखा 3 के बाद कितने तरीके से मैं चीजों को बढ़ा सकता हूं, तो देख 2 के बाद 3 लगाते ही अब मेरे कौन कौन से नंबर रिजर्व हो गए, 1, 2, 3 ये तो रिजर्व हो गए, बाकी जो नंबर खुले रह गए अभी भी जिनको मैं यूज में ले सकता हूं वो है 6 नंबर खुल गए मेरे पास, कौन कौन से, 4, 5, 6, 7, 8, 9 4, 5, 6, 7, 8, 9 वो है 6, उनमें से कोई भी 3 ढूंढ लूं, उन 3 को ढूंढने के तरीके हो गए 20, कितने हो गए 20, इसका मतलब मैं कहां तक आ गया, 90 तक, 70 पहले गए, इसका 100% है, 1 से बनने वाले सारे नंबर आ चुके हैं, 2 और 3 के बाद बनने वाले सारे नंबर आ चुके हैं, राइट है, लेकिन मैं अभी भी 90 तक ही पहुंच पाया हूं, इसलिए मैंने और आगे जाने की सोची, मैंने 4 लगाया, मैंने 2 के बाद 4 लगाया, अगर मैं 4 लगाता हूं तो वापिस वही 5C3 खुलेगा, तो मैंने 5C3 खोल के देखा तो 5C3 की वैल्यू जो आ रही थी वो 10 आ रही थी, अगर मैं 10 करता हूं तो 90 पहले लगा चुका हूं और 10 करते मैं 100 पे आ जाऊंगा, जबकि मेरे को तो 97 पे रुकना है, इसका मतलब मेरे को 4 के बाद खुला नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं 100 के पार चला जाऊंगा, तो मैंने 4 के बाद जानबूझ के 5 लगा के देखा, है ना, अब मेरे 2, 4, 5 अंक प्रयोग में आ रहे हैं, है ना, और मैं कौन कौन से यूज नहीं ले सकता, 1 और 3 क्योंकि मैं 3 देख चुका हूं ऑलरेडी, 1 में देख चुका हूं ऑलरेडी, तो मेरे पास में 5 अंक काम में आ रहे हैं, 5 अभी भी बाकी हैं, 4 बाकी हैं, तो 4 में से 2 डब्बे भरने, मेरे को इन 2 डब्बे भरने का तरीका कितना हो गया बेटा, 4C2 हो गया, 4C2 का मतलब कितना हो गया, 6 अगर और ले लेता हूं तो 70 और 20 90 और 6 96, लेकिन मेरे को कहां तक जाना है, 97, माने मेरे को अगला नंबर सोच लेना चाहिए जिसमें 2, 4, 5 काम में नहीं आएंगे, मतलब 5 काम में नहीं आएगा, है ना, तो 2, 4 के बाद क्या आएगा, 6, और फिर 2 ही नंबर है असेंडिंग के बाद में, 7 और 8, 8 और 7 में कर नहीं सकता क्योंकि 8 के बाद 7 असेंडिंग नहीं होगा, इसलिए 7 और 8, तो यही नंबर हो गया, और इसमें कौन सा नंबर मिसिंग है ऑप्शन में से, 5 वो हटा दिया, हाँ गले की वाट लग गई, बहुत भारी काम है भैया, बहुत भारी काम है, बहुत भारी काम, ये तो हम आपको यू खट ऐसा सोच लेना बेटा, बस ऐसे सोच लेना, अब आप घर जाके सोचते हो यार ऐसे तो मैं सोचते सोचते मर गया, है ना, एक नहीं सोच पाया मैं, लेकिन फिर भी है ना हम लोग इसमें इतनी मेहनत इसलिए करते हैं कि हमें पता है ये बहुत फायदे देगा आगे आपको, ठीक है, अच्छा चलो आगे चलते हैं, है ना, हाँ साहब अगला कौन सा है, द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 16 थिंग्स, यही है ना, एट ऑफ विच आर अलाइक एंड रेस्ट आर डिफरेंट, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल है, 16 अंकों के कोई चीज है ना भाई, 16 अलग अलग तरह की कोई चीजें हैं, ठीक है, जरा ध्यान से देखना, फिर से सोच कोशिश करता हूं आप में से हर एक जने को समझाने की, जिसमें 8 एक जैसी हैं, 8 अलाइक है, राइट है भाई, ये 8 अलाइक हो गई और बाकी सारी अलग अलग हैं, डिफरेंट 1, डिफरेंट 2, डिफरेंट 3, डिफरेंट 4 से बढ़ते बढ़ते डिफरेंट 8 तक, ये टोटल कितनी है, 16, ये टोटल है 16, हमें कितनी चुननी है, 8, 8 चुनने के तरीके क्या हैं, मैंने 8 चुने, सुना वो ध्यान से सुना, है ना, 8 चुनने के टोटल तरीके कितने हुए, मैं इनमें से एक भी ना चुनू, 8 हो गया 8 और डिफरेंट चुनू, हाँ यार, तो एक तरीका हो गया 8C8, मैंने 8 हो गया 8 और डिफरेंट चुनी, अलग चुनने अलग नहीं चुनी, नहीं नहीं मैंने अलग चुनी ही नहीं, ठीक है, फिर क्या हुआ, या क्या हो सकता था, 8 में से 7 डिफरेंट चुनू और 1 अलग चुनू, हाँ यार, और 1 अलग को चुनने का तरीका क्या होगा, ये 8 और 1 है, इन्हें चुनने का एक ही तरीका है, मैंने कहा था ना 3 एक जैसी चौके, चुनने का तरीका क्या होगा, 1 तो इंटू 1 कहानी पकड़ में आई, ये इंटू 1 नहीं पकड़ में आता दुनिया को, ये 1 पकड़ में आना चाहिए बस, ये इकलौती ऐसी चीज है जिसके पीछे क्वेश्चन में इतना फोर्सफुली कराता हूं कि भाई सुन लेना, तेरे सामने कभी भी ऐसी चॉइस आएगी ना इस क्वेश्चन को मार करो करना, सर ने अलाइक कैसे चुने थे, ओके ऐसे चुनते हैं, ठीक है, अब सुनना, 8 में से 3 डिफरेंट और नहीं 8 में से 6 डिफरेंट और 2 अलाइक चुनने के तरीके, कोई भी 2 चुन लो, एक ही तरीका है, एक ही, तो इंटू 1 प्लस ऐसे बढ़ते बढ़ते नीचे आ जाओ 8C0, और आप में से किसी को बताओ ये सबका सम कितना होगा, 2 की पार, ओके, बाइनोमियल थ्योरम बोलो, 2 की पार
अरे एट सी, जीरो से एट सी बार एट तक कितना होगा, टू की बार एट, नहीं आया, क्या आंसर है 256, हाँ हो गया ना, बैठ गया। नहीं 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 नहीं, चीजें आठ चुननी बेटा, आठ ही तो चीजें चुननी है मेरे पास में, आठ डिफरेंट है और आठ अलग है, मैंने पहले आठ की आठ डिफरेंट नहीं हुआ ना, वो पूरी एक जैसी है, आप इनमें से ये फिर उनमें से वो चुन लें। नहीं 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 नहीं, नौ तो सुनते ही आपके लिए फिर वो नौ डिफरेंट हो गई, वो सबको आप एक गिन गए, आप तो इन्हें 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 ऐसा कैसा पढ़ा रहा, जैसे आप एक एक बोरे में है ना, एक एक कमरे में गए, आठ एक जैसी चीजें थी और आठ बिल्कुल अलग अलग तरह की चीजें थी, आपको आठ चीजें चुन के कमरे से बाहर आना है, तो हमने आठ और डिफरेंट चुन ली, इधर देखा ही नहीं। चुनाव तो आपने आठ में से किया ना, अरे देखो क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कॉम्बिनेशन ऑफ 16 चीजें, 16 चीजों को चुनने के तरीके, बस आपने सीधा आठ में से कोई चुन ली, इधर वाले में दिमाग ही नहीं लगाया। देखो अगर बाय द वे आपने इन्हें एक गिन दिया, ये एक चीज गिन रहे हो ना, ये गलत कर रहे हो बस, और कुछ गलत नहीं कर रहे आप उन्हें क्या कर रहे हो, आठ अलग अलग चीजें और ये एक चीज गिन रहे हो, नहीं है ये माइक, ये अपना मोबाइल, नीचे वाली बोतल, ऐसे अलग अलग एक और आठ रजिस्टर एक जगह रखे हैं और मुझे कोई भी आठ चीजें लेके बाहर आना है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि वहां जितने रजिस्टर थे वो मेरे लिए एक चीज थी, उन्हें चुनने का तरीका एक हो सकता है। वो मेरे लिए एक चीज नहीं है, वो मेरे लिए आठ चीजें हैं, आठ चीजें हैं, फिर गिनना तो फिर सोलह गिनो, ठीक है। अच्छा अच्छा, नंबर ऑफ वेज ऑफ इन विच फाइव डैशेज एंड एट डॉट्स कैन बी अरेंज्ड, हां साहब किया किसी ने या छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया,